जोधपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सरवल गांव के जंगल में 6 फरवरी के दोपहर में एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिले के डीएम एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में गहनता से जांच की और मृतिका शिवानी के पैंट की जेब से दो लोगों के मोबाइल नंबर मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे में जुट गई थी। आपको बता दें कि मृतिका शिवानी, जो कि लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के आदमपुर नौबस्ता की रहने वाली है, जिसका प्रेम प्रसंग फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेवरामऊ निवासी भोला दुबे के साथ चल रहा था, जिसके बाद प्रेमी भोला दुबे प्रेमिका शिवानी को 2 माह पहले लखनऊ से शादी का झांसा देकर साथ भगा ले आया था, जिसके बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका को 2 माह तक फतेहपुर व बांदा जिले में रखा, जिसके बाद प्रेमिका द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाया जाने लगा। इसी बात को लेकर दोनों लोगों में मनमुटाव भी हो गया था। मनमुटाव के बाद प्रेमी ने अपने रास्ते से हटाने के अपने मामा व चचेरे भाई के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की योजना बनाई और योजना के तहत पहचान छुपाने के लिए पहले दुपट्टे से गला घोटकर प्रेमिका की हत्या कर दी और बाद में धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और कटे हुए सिर को जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक कुएं में फेंक दिया और युवती का धड़ असोधर थाना क्षेत्र के सरवल गांव के जंगल में फेंक दिया था। मृतिका शिवानी की पैंट की जेब से दो लोगों के मोबाइल नंबर मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे में जुटी थी और आज एसपी सतपाल अंतिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए इस पूरी घटनाक्रम के मुख्य आरोपी भोला दुबे, चचेरा भाई अमित दुबे व बांदा जिला निवासी मामा उमेश चंद्र को गिरफ्तार करते हुए हत्या में उपयोग किए गए धारदार हथियार के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि सिर वहीन एक महिला का शव था। इस संबंध में तत्काल थानाध्यक्ष असोथर के द्वारा और सीओ थरियाओं के द्वारा, एडिशनल एसपी मेरे और जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को वहां पे बुलाया गया और वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साक्ष्य संकलन से कुछ अहम चीज़ें निकल के आई, जिसको कि बाद में मैनुअल इनपुट के आधार पर और सर्विलांस इनपुट के आधार पर उन चीज़ों को डेवलप किया गया। डेवलप करने के पश्चात इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए और इन 3 को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरी की पूरी घटना को स्वीकारा और इनकी निशानदेही पे जो महिला का सिर था वो सिर बरामद किया गया और घटना करने में जो चाकू इसमें प्रयोग में लाए गए थे वो इसमें बरामद किए गए और साथ के साथ में एक बैग जिसमें सिर को लेके गए थे वो बैग भी इसमें बरामद किया गया। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि नवंबर एंड में ये उस लड़की को यहाँ पर लेके आए थे, जिसके संबंध में गोसाईगंज थाना लखनऊ में अभियोग पंजीकृत था। इनके द्वारा लड़की को कुछ टाइम तक बांदा शिफ्ट किया गया था और वहाँ से यहाँ पर लाकर 5:00 की रात को इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। घटना के उद्देश्य में इन्होंने बताया कि जो प्राइम एक्यूज्ड है इसमें भोला, इसके द्वारा बताया गया कि काफ़ी समय से लड़की के ये संपर्क में था और लड़की जो है वो इसके साथ शादी करना चाहती थी और जिसमें इसको आपत्ति थी। इसी चक्कर में विवाद हुआ और इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए और इसमें साक्ष्य किसी प्रकार से ना मिल पाए, इस वजह से गला काट कर और सिर को अलग करके इसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया।